जय हिंद। मैं राकेश सौ एसी अकेडमी से। आज हम पाइप एवं टंकी के अंतर्गत न्यू वैरायटी के प्रश्नों को डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, टाइप 8। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए प्रश्न है दो पाइप किसी टंकी को, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को, यदि दोनों पाइप को खोलने के 3 मिनट बाद, यदि दोनों पाइपों को खोलने के 3 मिनट बाद पहले पाइप को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी। टंकी कितने समय में खाली होगी, यह प्रश्न है। ध्यान दीजिएगा, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 12 मिनट व 15 मिनट में खाली कर सकते हैं। यहां पर हमारे पास एक टंकी है, इस टंकी में दो पाइप नीचे की ओर लगे हुए हैं जिसका काम है टंकी को खाली करना, पाइप ए और पाइप बी। पहला पाइप टंकी को 12 मिनट में खाली कर सकता है, दूसरा पाइप टंकी को अकेले 15 मिनट में खाली कर सकता है। यदि दोनों पाइपों को खोलने के 3 मिनट बाद पहले पाइप को बंद कर दिया गया, अर्थात पहले पाइप को केवल और केवल 3 मिनट तक ही चलाया गया। मैंने मान लिया कि माना कि टंकी, समय का मात्रा का मिनट है, तो मैंने माना कि टंकी x मिनट में खाली हो गया, x मिनट में खाली हो गया। a का काम और b का काम, दोनों का काम है टंकी को खाली करना, तो a प्लस b बराबर होगा एक कार्य के, क्योंकि दोनों का काम है टंकी को खाली करना। a के जगह लिखेंगे x1 by t1, b के जगह लिखेंगे x2 by t2 बराबर 1, तो ये आ जाएगा आपका 3 by 12 प्लस x2 की वैल्यू है। यहां पर ध्यान दीजिएगा, माना कि टंकी x मिनट में खाली हो गई, यहां पर b को शुरू से लेकर लास्ट तक चलाया गया है, तो ये हो जाएगा x मिनट तक इसको काम करवाया गया, तो ये आ जाएगा आपका x बटा 15 बराबर 1, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो x बटा 15 बराबर 1 माइनस 1 बाई 4, तो यह आ जाएगा 3 बाई 4। ध्यान दीजिएगा, तो therefore यहां पर x बराबर होगा 15 * 45 बटा 4, यहां पर मिनट में आएगा आंसर मिनट, इसे हम लिख सकते हैं x बराबर यह आ जाएगा 11 सही 1/4 मिनट। ध्यान दीजिएगा, मिनट को सेकंड में चेंज कर दीजिए, 11 मिनट प्लस 1/4 सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कीजिए, 4 एकम 4 ये 15 आ जाएगा, तो x बराबर आंसर आएगा 11 मिनट 15 सेकंड। तो यहां पर टंकी को ओवरऑल खाली होने में 11 मिनट 15 सेकंड का समय लगेगा। इसी में हम अगला प्रश्न डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, दो पाइप किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटे व
6 घंटे व 8 घंटे में खाली कर सकते हैं। यदि दोनों पाइप को खोलने के 2 घंटे बाद पहले पाइप को बंद कर दिया जाए तो टंकी कितने समय में खाली होगी? ध्यान दीजिएगा, इसे हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखिएगा, पहले पाइप के द्वारा टंकी को 6 घंटे में खाली किया जाता है, दूसरे पाइप के द्वारा टंकी को 8 घंटे में खाली किया जाता है। यहां पर पहला पाइप 2 घंटे तक ही काम किया, माना कि टंकी एक्स घंटे में खाली हो गया, माना कि टंकी एक्स घंटे में खाली हो गया। इसका मतलब यह है कि यहां पर बी जो है वो एक्स घंटे तक काम किया, तो हम यहां लिख सकते हैं 2/6 प्लस एक्स बटा 8 बराबर 1। 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, तो एक्स बटा 8 बराबर 1 − 1/3 बराबर यह आ जाएगा 2/3। तो देयरफोर एक्स बराबर यह होगा 8 × 16/3, यह घंटे में आएगा। तो यहां लिख सकते हैं एक्स बराबर 3 × 5 = 15, 1/3 घंटा। यहां लिख सकते हैं एक्स बराबर 5 घंटा प्लस 1/3, घंटे को चेंज करेंगे मिनट में तो यहां पर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, 60 मिनट, 3 × 6, तो यह आ जाएगा आपका देयरफोर 5 घंटा, यह आ जाएगा 20 मिनट। तो यहां पर आंसर आएगा 5 घंटा 20 मिनट में ये पूरी टंकी खाली हो जाएगी। इसी में